आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए। अच्छा मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सोलवे साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, अक्सर कोई लड़का, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। हाँ मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर
निजाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। अकेले हो तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जा, I'm ready।
जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।
डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई न कोई फैसला तो करना ही था। सो स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर। इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल ने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तेरा साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली। फिल्म रुदाली के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन। कितने गिले तुम, कितने
खलनायक तो मिलो तो सही और एतबार। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाय चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते। आज के फनकार।